हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। समुद्र किनारे सैर करने जाओगे तुम लोग? हाँ, जाएंगे, 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 जाएंगे। लेकिन तुम तीनों को जाना पड़ेगा, साथ में कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। समुद्र तक जाओ और वहाँ से अपने तालाब के लिए एक कछुआ पकड़ के लाओ। पिताजी ने कहा था ना, वही कछुआ है। ये तो पत्थर जैसा कुछ जानवर दिखता है। नहीं नहीं, यही कछुआ है। हमें इसे गाँव ले जाना है। तुम उठाओ। मैं? अरे वाह, मैं अगर इसको उठाया तो मुझे खरोंच नहीं आ जाएगी, मुझे छुपेगी नहीं। मैंने उठाता है इसको, फिर इसे उठाएगा कौन? तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ। मैंने कितनी प्रतियोगिताओं में निर्णय दिया है, कितनी समस्याओं को सुलझाया है, पर ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये भी निर्णय देना पड़ेगा कि सबसे अधिक कोमल कौन है। और आपकी समस्या भी विचित्र है, कछुआ कौन उठाए? तीनों बालक राजा के सामने हैं और राजा से कहा जाता है कि जो बालक सबसे ज्यादा कोमल, सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा संवेदनशील हो उसको पुरस्कार दिया जाए। बता विक्रम, राजा किसको पुरस्कार देगा? विक्रम, बेताल, 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 विक्रम, बेताल। जैसा तू चाहे, मुझे ले जाए बगैर तो तू मानेगा नहीं, बड़ा जिद्दी। मगर मेरी वही शर्त है, अगर तू बोला तो मैं छू मंतर हो जाऊंगा। हाँ तो सुन, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसके तीन पुत्र थे, तीनों बड़े गुणी, बड़े प्रभावशाली और बड़े ही मस्करे। डांटेगी, शर्ट लगा लो, मां डांटेगी और बहुत बुरा डांटेगी। भैया भैया, देख ले,
देख ले, घर जाके तो माँ की डांट पड़ेगी। मगर क्यों पड़ेगी डांट? हाँ, इसलिए कि हम घर से बिना बताए जंगल गए। माँ को कैसे पता चलेगा कि हम जंगल गए थे? हाँ, मैं आगे करी और अच्छा बच्चा हूँ, जाते ही माँ को सब बता दूँ। मारूंगा तेरे को। देखा, मैंने कहा था ना माँ डांटेगी। हम जंगल गए थे माँ। चुप, माँ ये झूठ बोलता है। बिना पूछे क्यों गए थे जंगल? देखा, वही बात पूछी ना। माँ क्या है ना कि हमें क्या पता कि ये जंगल है, हम तो वो क्या झड़ झड़ जड़बेरी। हाँ, जड़बेरी के लालच में बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। फिर पता है हमने क्या देखा? क्या देखा? कि हम सब तो जंगल में ही आ गए। और माँ, जंगल का जैसा वर्णन हमने किताबों में पढ़ा था ना, वैसा ही जंगल था। अच्छा, सुना तुमने, ये तीनों बिना पूछे ही जंगल गए थे। अच्छा किया। हाँ? अरे भगवान, यही तो उम्र है हंसने खेलने की। समुद्र किनारे सैर करने जाओगे तुम लोग? हाँ, जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। हाँ, जाएंगे। लेकिन तुम तीनों को जाना पड़ेगा, साथ में कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चुप, क्या ठीक है? कहाँ भेज रहे हो इन उद्यमियों को? तुम चुप भी रहा करो, समुद्र तक जाओ और वहां से अपने तालाब के लिए एक कछुआ पकड़ के लाओ। कछुआ? कछुआ कैसा होता है? बुद्धू, कछुआ भी नहीं जानता। अरे वो जो अपने हाथ पैर समटे अपनी खोल में छुप जाता है, मैं बताऊंगा। हाँ, जाओगे तुम लोग? हाँ जाएंगे, जाएंगे, जरूर जाएंगे। पिताजी, हम लोग अभी जाए? नहीं नहीं, कल सुबह। आशीर्वाद दो नाग देवता। जय नाग देवता, हमें कछुआ पकड़ने में सफल करना। कछुआ, कछुआ, कछुआ है नाग। चलो चलो। पानी पानी भैया, पानी। देखना, मैं पत्थर फेंकूंगा और उसमें पानी में देखना नाचेगा। ऐसा होता है? अरे पिताजी ने कहा था ना, वही कछुआ है। ये तो पत्थर जैसा
कुछ जानवर दिखता है? नहीं नहीं यही कछुआ है, हमें इसे गांव ले जाना है। तुम दोनों जानते हो कोई भी वस्तु अगर मैली कुचली हो ना तो मैं उसे सहन नहीं करता। हाँ क्या मैं उठाऊंगा? हाँ तुम उठाओ, तुम उठाओ। मैं? अरे वाह, मैं अगर इसको उठाया तो मुझे खरोंच नहीं आ जाएगी, मुझे छुपेगी नहीं। मैंने उठाता है इसको, फिर इसे उठाएगा कौन? तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ। क्या तुम कर रहे हो? पहलवान जी, ओ पहलवान जी, कहो क्या बात है? हमें इस कछुए को, मतलब इस कछुए को उठा के गांव ले जाना है। अरे तो लेके जाओ, मुझे क्या करना है? लेकिन मैं तो नहीं उठा सकता और ये दोनों भी नहीं उठा सकते। तुम क्यों नहीं उठा सकते? अरे इतनी गंदी घिनी सी चीज, मैं तो उसके पास भी नहीं जा सकता। हाँ और तुम? मुझे इसमें से दुर्गंध आती है। और तुझे क्या बीमारी है? बीमारी? मुझे? मुझे कोई बीमारी नहीं है, पर अगर ये कछुआ मुझे काट खा जाएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। तो इस कछुए को तालाब में छोड़ दो। तालाब में? नहीं नहीं, हमें इसे गांव ले जाना है। पिताजी ने हम तीनों को कछुआ लाने भेजा है। देखो भाई, अगर मामला ताकत का होता कि तुम तीनों में से किसमें ज्यादा शक्ति है तो मैं परीक्षा लेकर तय कर देता। तुम लोग का झगड़ा दूसरा है कि तुम तीनों में से सबसे नाजुक और सबसे कोमल कौन है। अच्छा तो फिर इसका फैसला कौन करेगा बताओ? यहाँ के राजा के पास चले जाओ, वो बड़ा पारखी है। चलेंगे। ठीक है, हम राजा के पास जरूर जाएंगे। पर आप कछुए का ध्यान रखेंगे? हाँ जरूर रखेंगे। आप कछुए का ध्यान रखिए, जब तक हम वापस नहीं आ जाते। हाँ जी, हाँ संभाल के रखिएगा इसको। ठीक है, संभाल के रखेंगे। जय हो, जय हो। चलो चलो, आप ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ हाँ। किस गांव के हैं आप? अग्रहार के महाराज। मैंने कितनी प्रतियोगिताओं में निर्णय दिया है, कितनी समस्याओं को सुलझाया है, पर यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह भी निर्णय देना पड़ेगा कि सबसे अधिक कोमल कौन है। और आपकी समस्या भी विचित्र है, कछुआ कौन उठाए? एक राजा को भी अपने जीवन में किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। ठीक है, सबसे अधिक संवेदनशील कौन है, कोमल कौन है, इसका निर्णय भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कोमलता भी मनुष्य का एक गुण है। महाराज भोजन तैयार है। आइए, आप हमारे अतिथि हैं, आप यहां ही भोजन करेंगे। लीजिए और लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, हम भरपेट भोजन करेंगे। हम लोग ब्राह्मण है, क्षत्रिय नहीं। भाई वाह, आप तीनों भाई तो बहुत हसमुख हैं। अरे आप खाना नहीं खा रहे हैं? नकले करता है। अबे खाना, अरे ये वो भोजन है जो महाराजा करते हैं, खा ले। रोज रोज नहीं मिलता ऐसा भोजन, क्यों? असाध्य है। ये पता है घर पर भी ऐसे ही करता है। माँ इतना अच्छा भोजन बनाती है, जरा सी भी भूल चुक हो गई तो बस मैं नहीं खाऊंगा। महाराज उन तीनों ब्राह्मण पुत्रों में एक भोजन नहीं कर रहा है। हमें बताइए क्या भूल हो गई? आप भी ठीक हो जाएगी, आपको भोजन अच्छा नहीं लगा। महाराज चावल में से दुर्गंध आ रही है। चावल में से दुर्गंध? जी महाराज आ रही है। नहीं तो? जी आ रही है। इसमें भी नहीं आ रही? इसकी नाक खराब है महाराज। कैसी दुर्गंध लगती है आपको? महाराज जैसे शमशान से आती है, चिताएं जलने के धुएं की दुर्गंध। चावल कहां से है? ये हमारे ही खेतों के चावल है महाराज,
हमारे खेतों के चावल बहुत अच्छे होते हैं। कहाँ है हमारे खेत? कहीं शमशान के पास तो नहीं? जी हाँ महाराज, हमारे खेतों के पास एक शमशान भी है। वाह, मान गए। उबले भात खाते समय आपको उस मशान के खेत की गंध आई जो खेत के पास है। आप सचमुच बड़े कोमल हैं, कमाल है आपकी। इसका मतलब कछुआ हम उठाएंगे? जी नहीं महाराज, हम कछुआ नहीं उठाएंगे। आप में से किसी को संगीत में रुचि है? महाराज है, इसे है, इसे पिताजी जब भी भजन गाते हैं ना तो ये मृदंग बजाता है। अच्छा, क्यों भाई, बजाओगे मृदंग? जी महाराज, अगर आपकी आज्ञा होगी तो जरूर बजा सकता हूँ। मैं आपके पास नहीं बैठ सकता, मैं यहीं बैठ के बजाऊंगा। महाराज, ये मेरा अपमान है। आप इनके पास क्यों नहीं बैठते? मृदंग वादक को गायिका के समीप ही बैठना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, मगर मुझे इनके शरीर से गंध आ रही है। गंध आती है आपको? मेरे शरीर से केसर के उपटन की गंध आती होगी, फूलों की गंध आती होगी, आपको अच्छी नहीं लगती। अगर ये सब सुगंध आपको अच्छी नहीं लगती तो आप इंसान नहीं, जानवर हैं। आपको कैसी गंध आ रही? महाराज, मुझे इनके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। बकरी के दूध की गंध? आज आप स्वाद बदलने के लिए बकरी का दूध पी कर आई हैं? क्षमा करें महाराज, आज तो मैं बकरी का दूध पीकर नहीं आई, किंतु मैंने बचपन में कई सालों तक बकरी का दूध पिया है। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरी गरीब मौसी ने मुझे बकरी का दूध पिलाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इन्होंने ठीक ही कहा है। क्षमा करना अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। नहीं नहीं, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं। जिसका दूध पिया है उसका नाम सुनकर पूरा क्यों लगेगा? वाह, मान गए। केसर, उपटन, तेल, धुलेल, ये सब होने पर भी आपको उस बकरी के दूध की गंध आई जो इनकी नसों में है, जो इन्होंने बचपन में पिया था। आप सचमुच ही बड़े कोमल हैं, इतनी छोटी सी बात का भी आप पर असर पड़ता है। वाह, इसका मतलब कि कछुआ मैं उठाऊंगा, मैंने उठाऊंगा कछुआ। महाराज, मैं भी नहीं उठाऊंगा कछुआ। क्या हुआ? ये मुझे कुछ चुभ रहा है यहाँ पर। क्या बात है, नींद नहीं आ रही? तू ये देखिए महाराज। अरे ये क्या हुआ? महाराज, इस बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा है यहाँ पर। बिस्तर में चुभ रहा है? हाँ। जरा देखो इस बिस्तर में इन्हें क्या चुभ रहा है। भैया, अरे एक पर एक तीन गद्दियां हैं महाराज, कैसे छुप सकता है? कुछ है महाराज, भैया देखो ना। यहाँ पर
यहाँ भी कुछ नहीं है। ये देखो भैया, ये बाल, महाराज ये बाल मुझे चुभ रहा था। बाल चुभ रहा था? तीन गद्दियों के नीचे रखे गए जरा से बाल की चुभन से आपके शरीर पे खरोंच आ गई? वाह, मानना पड़ेगा आप भी बड़े कोमल हैं। इसका मतलब कछुआ हमें उठाना पड़ेगा? नहीं, हम कछुआ नहीं उठाएंगे महाराज। तीनों बालक राजा के सामने हैं और राजा से कहा जाता है कि जो बालक सबसे ज्यादा कोमल, सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा संवेदनशील हो उसको पुरस्कार दिया जाए। बता विक्रम, राजा किसको पुरस्कार देगा? सोच के भी बता। राजा सबसे छोटे भाई को ही पुरस्कार देगा। हुँ? जिसकी पीठ में बाल के कारण खरोच आ गई है उसे ही पुरस्कार देगा। क्यों, वो दोनों कोमल नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी कोमल हैं। लेकिन उनकी ये बातें कि ये चावल शमशान के पास के खेत का है या कि सुंदरी को बकरी का दूध पिलाकर बचपन में पाला गया था, कानों सुनी भी हो सकती हैं। बेताल, पुरस्कार तब दिया जाता है जब आदमी का गुण आपने आंखों से देखा हो। एक बाल के कारण पीठ में खरोंच आ जाना कोमलता का ऐसा प्रमाण है जिसे राजा ने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए राजा ये पुरस्कार सबसे छोटे भाई को ही देगा। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। फिर कछुआ कौन उठाएगा महाराज? बिल्कुल ठीक कहा, तू कितना समझदार है, कितनी गहराई से सोच करके अपना न्याय देता है। तू चुप रहना भी जानता तो मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मगर अब मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूं विक्रम। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम आजा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महान झूठ है। विक्रम 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 बेताल।